हेलो दोस्त, एलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 क्लास पार्ट नंबर 34 और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए है। और ये बेसिक स्मॉल टॉपिक है जिसमें 253 से 261 तक क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे या प्रश्न संख्या आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 59, 60, 61 इस तरह से, और एक रिजोनेंस का बात करेंगे यहाँ पे, सीरीज रिजोनेंस का, जिसमें रिजोनेंस एंड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन आता है। और टॉपिक है एसी सर्किट। तो एसी सर्किट का पार्ट टू हो गया। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं सारे टॉपिक को, तो पार्ट टू वाला कंप्लीट करते हैं इसे। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ एसी सर्किट का प्रयोग होने वाला यूनिट एंड इसकी स्मॉल कैलकुलेशन का है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस को हम ओम द्वारा डिनोट करते हैं और सिम्बोलिक टर्म में लिखे तो ये होता है, और आर बराबर वी बटा आई ये टर्म होता है, पी के टर्म में भी लिख सकते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस करंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आर को डिनोट करना है। उसके बाद इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बेसिक सिंपल यूनिट इसकी हेनरी है, और हेनरी के लिए हमें इसे एच से डिनोट करते हैं कई बार। और इसको आगे हम अगर करना चाहें तो इसे आपको निकालना पड़ेगा एक्स एल बराबर 2πfL, जहाँ एल आपका इंडक्टेंस है और एफ फ्रिक्वेंसी है, और इसी के टर्म से आपको निकालना पड़ेगा यहाँ एसी सर्किट के टर्म में। उसी तरह कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है फैराड, और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक्स की बात होगी तो इंडक्टेंस के उल्टा 1/2πfC, जहाँ से सी आपको निकालना होगा। और एक्स को डायरेक्ट हम कहते हैं इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सएल है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से एक्सेल भी आप निकाल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस से, और एक कैपेसिटिव से निकाल सकते हैं। और ये तीनों यूनिट इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, सारा की यूनिट ओम होती है। तो ये भी आप इसको एक ध्यान दे दीजिएगा। और ये इम्पीडेंस की बात रह गई, तो इम्पीडेंस आपको निकालना है तो इसे बोलते हैं जेड। इम्पीडेंस को हम जेड के टर्म में डिनोट करते हैं, और जेड को आप डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस सर्किट के स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ध्यान दीजिएगा एक्सी, और ये बराबर भी कई होता है, दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको यूज करना होता है, और उसको पहले यूज करते हैं, और इसके होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, जो कंडीशन हो उसको करना है इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस से कैलकुलेशन करने के लिए छोटी छोटी फार्मूला आ जाती है, जिसे पावर फैक्टर और करंट निकालने के लिए भी आती है। तो ये हो गया। उसके बाद तीन यूनिट और हमारे पास बच गए थे, जो हम पहले वीडियो में नहीं कवर किए थे, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। तो सबसे पहले हम तीनों की बात इकट्ठा कर लेते हैं। तीनों की यूनिट होती है महो, ध्यान दीजिएगा इसे महो बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, महो यूनिट के टर्म में बोले। और लेकिन कंडक्टेंस और ये तीनों की यूनिट अलग अलग हम डिफाइंड है तीनों के लिए, तीनों के लिए आपको अलग अलग यूनिट बताना होता है। तो एक एक करके यहाँ पे हम कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले कंडक्टेंस, तो यूनिट हमने बात कर लिया, और कंडक्टेंस को किसके द्वारा लिखते हैं, जी द्वारा, ध्यान दीजिएगा। जी बराबर 1/r भी होता है कई बार, लेकिन 1/r नहीं दिया हुआ है, तो जी आपको इस सर्किट में निकालना मिल जाए, तो इसे बोलते हैं R/ZS2। और जेड हमने बात ही कर लिया था, जेड क्या है, हमारा इम्पीडेंस है। तो यहाँ से भी एक टॉपिक आ जा सकता है। उसके बाद ससेप्टेंस, जिसको एस द्वारा डिनोट करते हैं, और एस बराबर होता है एक्स बराबर एक्स डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों टर्म में होता है, इंडक्टिव टर्म में और कैपेसिटिव टर्म में। तो इंडक्टिव टर्म में जाएंगे तो एक्सएल होगा और जेड स्क्वायर होगा, एक्स एल हमेशा नेगेटिव में होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इसकी प्रश्न आ जाती है। और अगर कैपेसिटिव में हुआ तो एक्स सी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है, ये दोनों टर्म याद रखिए। उसके बाद हमारे पास एडमिटेंस होता है, तो एडमिटेंस की बात करेंगे, इसे डिनोट करते हैं वाई से, और इसे कहते हैं जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्टेंस था और ससेप्टेंस का भी हमने यूनिट बोला है, शायद ये सबको हो गया। ये ससेप्टेंस की यूनिट एक बार करेक्शन कर ले, इसे बी बी से डिनोट करते हैं, ससेप्टेंस लिखते हैं लेकिन डिनोट करते हैं बी से, और वो बी ए है। तो हम अगर कहें ससेप्टेंस में तो बी बराबर एक्स एल और एक्स सी के डिवाइडेड में जेड स्क्वायर। तो ये टर्म आपको याद रखना है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, और कई बार इसमें पावर फैक्टर पूछ दिया जाता है सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर पीएफ पूछ दिया जाए कंडक्टेंस ससेप्टेंस एडमिटेंस के टर्म में, तो पीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जी वाई वाई कंडक्टेंस बाई एडमिटेंस। तो ये भी एक पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने आर बाई जेड भी जान लिया था, ये भी पावर फैक्टर होता है, कोस एंगल होता है, और सारा कैलकुलेशन हमारा इसी में होता है। लेकिन एक टर्म हमारे पास और बट गया, सीरीज रिजोनेंस सर्किट। तो रिजोनेंस की बात करेंगे, और यहाँ पे केवल सीरीज की हम बात कर रहे हैं, पैरेलल का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो रिजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, यानी कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिससे सर्किट का न्यूट्रल हो जाता है उस कंडीशन। यहाँ पे हम सीरीज में आप जान गए, सीरीज इम्पीडेंस में होता है जेड बराबर आई। तो सीरीज रिजोनेंस के सर्किट में आई क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर एक्सी होता है, जिसके कारण से आई बिल्कुल ई डिवाइडेड बाई आर वोल्टेज, यानी इसे वी भी कह सकते हैं, वी बटा आर के बराबर होता है। तो एसी सर्किट होने के बाद भी ये किस सर्किट के जैसा काम करता है, डीसी सर्किट जैसा काम करता है, सीरीज रिजोनेंस कंडीशन होने के कंडीशन में। अब यहाँ बात आती है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, तो हम यहाँ बात करेंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज सर्किट फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे हम कंडीशन आपको पता था एक्सएल बराबर एक्सी होता है, और एक्सएल बराबर क्या होता है, टू पाई एफ एल बराबर वन बटा टू पाई एफ सी। तो ये टर्म हमें सबको पता है, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एफ को हम कॉमन रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वन बटा टू फोर पाई स्क्वायर एल सी। अब इसी के टर्म को आगे बढ़ाएंगे तो एफ स्क्वायर बराबर वन बटा फोर पाई स्क्वायर एल सी। लेकिन यहाँ पे देखिए एफ स्क्वायर को हम फ्रीक्वेंसी को अगर सेपरेट करेंगे और इसे लिख देंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू, यहाँ से एफ हम जीरो कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ से ये पाई स्क्वायर पाई बन जाएगा, और फोर का रूट आप लेंगे तो यहाँ से टू बन जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं, वन बटा टू पाई अंडर रूट एल सी, ये है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसी को बोलते हैं आप जब ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो ऑसिलेटर में इसी के टर्म को फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऑसिलेटर में एल एंड सी दोनों यूनिट होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और यही टर्म आगे फ्रीक्वेंसी में बदल जाती है, और ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ये मेरा यहाँ टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को आपको याद रखना है रिजोनेंस के कंडेंसर में, करंट को आपको याद रखना है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है सीरीज रिजोनेंस में, और एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ये भी पूछ दिया जाता है, और प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी अगर ये फ्रीक्वेंसी का टर्म आ जाए तो ये सब थोड़ा करना है, और ये ऑसिलेटर का बेसिक है, यहाँ से ऑसिलेटर शुरुआत होता है। थैंक यू, धन्यवाद।